यार मुझे ना अपने प्लेनेट की बहुत याद आ रही है। हमारा अर्थ, हमारी जमीन कितनी प्यारी थी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ओ नहीं 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 नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? लगता है हम पहुँच गए, तो मुझे लगता है हम मार्स में पहुँच गए। और मार्स में हमें टास्क मिला है, वो ये है कि हमें यहाँ पे ज़िंदगी की तलाश करनी है और ख़ुद भी सरवाइव करना है। और यार ज़िंदगी की तलाश और सरवाइव तो बाद में करेंगे, मुझे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही है, मुझे निकलना है यहाँ से। खुल जाओ, खुल जाओ यार, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा खुल जाओ यार, मुझे बाहर देखना है कि मार्स कैसा दिखता है, मुझे बाहर देखना है। ओ माय गॉड, ये कुछ हो क्यों नहीं रहा? लगता है मेरी शिप खराब हो गई है। कैसे खुलेगा? ओ हो 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 हो, तो ये चीज़ें हमें मिली हैं ताकि हम मार्स में ज़िंदगी की तलाश भी कर सकें और मार्स में ये चीज़ें हम उगा सकें। वाओ, तो परन क्या क्या काम की चीज़ें, इनसे क्या क्या काम ले सकते हैं हम, वो देखेंगे हम बाद में। पहले तो मुझे इस शिप से बाहर निकालो यार, कोई तो इस शिप से बाहर निकालो मुझे। दरवाज़ा कैसे? ओ ये मैप है, मैप मैप। तो हमारा स्पेस यहाँ पे है, अरे स्पेस नहीं यार, हमारा शिप यहाँ पे, शिप भी नहीं यार, हमारा रॉकेट यहाँ पे, कुछ भी बोलो लेकिन मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। ओके ओके, गुस्से से काम नहीं लेना हमें, हमें बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब इसको तोड़ के बाहर जाना ही पड़ेगा। ओह आवाज़ सुनी, ये क्या था, ये क्या था? ओ माई गॉड यार, निकलो जल्दी यहाँ से, निकलो जल्दी। ओके, तो हमने एक ब्लॉक तोड़ दिया है और बाहर, यार ये ब्लॉक तो टूटेगा भी नहीं हमसे। चलो टूट जा। ओके ये देखो यार, रात को हम बाहर निकले हैं। ओ माय गॉड, पूरे प्लेनेट में मैं अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हमें यहाँ पे बहुत कुछ ढूंढना है। और हाँ, अभी जैसे ही सुबह होगी ना, हम अपने काम पे लग जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से छोटा सा गेट बनाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ से अंदर जाना है। चलो सुबह हो गई है, ओ माय गॉड सुबह, देखो मार्स की पहली सुबह हमारी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सोचो यहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखो हमारा टास्क क्या है, हमें ज़िंदगी की तलाश करनी है यहाँ पे। और हाँ, ओ माय गॉड, गेट यहाँ पे था, पता नहीं कोई ना कोई तो तरीका था, लॉजिक था, जिससे ये वाला गेट खुलता, लेकिन मैंने गेट ही तोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं वापस कैसे जाऊंगा, लेकिन तोड़ ही दिया मैंने। ओके ठीक है यार, तो हमारा टास्क क्या है, देखो हमारा टास्क ये है कि हमें मार्स में ना बहुत कुछ करना है, हमें ज़िंदगी की तलाश करनी है और हमें पानी की खोज करनी है। और उन पानी की खोज हमें जब मिल जाएगी तो हम उसमें प्लांट लगाएंगे, तो वो प्लांट उग पाएंगे या नहीं, या फिर जो हमारे अंदर हमारे फ्लावर थे वो उग पाएंगे नहीं, वो देखेंगे हम आगे। अभी तो मुझे तलाश करनी है पानी की और ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि क्या मिलता है मुझे। ओ हो हो हो, वो देखो ऊपर कबल स्टोन है यार, बहुत सारे कबल स्टोन नज़र आ रहे हैं मुझे। और वो हमारी प्लेनेट नहीं यार, स्पेस भी नहीं यार, हमारा स्पेस शिप बोलो। हाँ तो वो हमारा स्पेस शिप है। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा आयरन है, ओ माय गॉड, इस आयरन को तोड़ नहीं सकते मुझे लगता है। ओके हमारे पास पिकैक्स भी नहीं है, वरना इसको तोड़ भी सकते थे शायद। तो सबसे पहले ना हमें पानी की खोज में सबसे नीचे आना होगा, और हमारा स्पेसशिप सबसे नीचे है, तो यहाँ पे तलाश करते हैं हम पानी को। तो ज़मीन खोदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बेड रॉक मिल गया, यानी कि हम और नीचे नहीं जा सकते, और जब और नीचे नहीं जा सकते तो पानी यहाँ पे नहीं होगा, तो पानी मुझे लगता है ऊपर होगा, तो हमें जाना पड़ेगा ऊपर। ओह गॉड, चलो ऊपर चलते हैं और वहाँ से हमें पानी की तलाश करनी है, और पानी मिल गया तो हमारे पास जो कुछ है चेस्ट में हम उसको उगा भी सकते हैं। तो पानी के लिए ना हमें सबसे पहले ज़मीन खोदना पड़ेगा, मैं वो खोदता हूँ यहाँ से, और नीचे जाएंगे और पानी की तलाश करेंगे। और कमाल की बात बताऊँ, मार्स में मैं पहला इंसान हूँ जिसने कदम रखा है। अभी तक मशीन गए हैं लेकिन कोई इंसान नहीं गया, मैं इंसान गया हूँ मार्स में और यहाँ पे पानी तलाश कर रहा हूँ। वाओ, है ना मज़े की चीज़। ठीक है यार, यहाँ पे कबल स्टोन मुझे मिल गया है, लेकिन इसको खोद नहीं सकता यार, बहुत मुश्किल लगेगी मुझे। चलो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या पता मिल जाए पानी हमें।
बहुत ज़्यादा खोद लिया है। अभी तक अगर पानी मिलना होता तो यहाँ पे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस। ओह गॉड, इतना ऊपर। चलो ऊपर चलते हैं और दूसरी जगह पानी की तलाश करते हैं, ठीक है। हमें ढूंढनी है लेवल वाली ज़मीन, बिल्कुल प्लान ज़मीन ढूंढनी है। एक काम करता हूँ, जहाँ पे पानी ढूंढता हूँ तो फिर से हमें नीचे ज़मीन तक खोदना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो चलो यार मेहनत करते हैं। एक मिनट, ये डर्ट याद है तुम्हें? ओह गॉड, ये डर्ट याद है तुम्हें? ये उस जगह पे होता है जहाँ पे पानी होता है। तो फाइनली लगता है मुझे पानी मिलने वाला है, लगता है मुझे पानी मिलने वाला है यार। ओ माय गॉड, ये देखो पानी पानी मिल गया। ओ गॉड, पानी मिल गया मुझे, पानी मिल गया। इस दुनिया का मैं पहला इंसान हूँ जिसको पानी मिला है मार्स में। वैसे गेम है लेकिन मुझे अंदर वाली फीलिंग्स आ रही है जैसे मैंने सच में पानी ढूंढ लिया हो। तो पानी तो हमें मिल गया यार, अभी मुझे यहाँ से रास्ता बना के ऊपर जाना पड़ेगा और घर से बकेट लाना पड़ेगा और बकेट से पानी भरना पड़ेगा और फिर हमारी मज़े हो जाएंगे। तो चलो रास्ता बनाते हैं। तो मैं बकेट लेके जा रहा हूँ वापस से, और मैंने रास्ते बनाए थे ताकि मुझे याद रहें। वो देखो, वो निशानियाँ मैंने रखी थी ताकि वो मुझे पानी की जगह याद रहे, क्योंकि पूरा प्लेनेट ही रेड हुआ पड़ा है, पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है। एक मिनट, ये यहाँ पे यूं करते हैं, अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पानी टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे इस रास्ते का पीछा करना है, इस निशानियों का पीछा करना है और पानी को लेके आना है बकेट में। तो फाइनली पहुँच गए। यहाँ पे हमने पानी खोजा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने मज़े का लग रहा है ना, ये देखो। ओह गॉड, ओह और भी ज़्यादा पानी है यार, और मेरे पास दो बकेट और भी हैं। दो बकेट कौन से याद है तुम्हें? उसमें भी पानी है यार, ये तुम्हें भूल गया, उसमें भी पानी है जिसमें फिश थे ना, उसमें दो वाले, वो वाले बकेट भी मुझे चाहिए। वो भी मैं लेके आता हूँ, फिश को हम दूसरी जगह रखेंगे और मैं वो भी लेके आता हूँ। तो एक काम करते हैं कि हम पानी इसमें डालते हैं और दूसरे बकेट के फिश को यहाँ पे डालते हैं, और फिर एक काम करते हैं, एक और भी रह गया है तो इसको करते हैं यहाँ पे। तीन काफ़ी होते हैं, अब मेरे पास अनलिमिटेड वाटर हो गया है, अनलिमिटेड वाटर यार। ओके, तो ये फ़िश भी हमारे, एक काम करते हैं दूसरे फिश को भी ले लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं अपनी जगह पे। तो हमारा अनलिमिटेड वाटर भी हो गया है, और अब हमारा अनलिमिटेड वाटर तो हो गया है, लेकिन हमारे पास जितने भी ट्री का एक था, सैपलिंग था और फ्लावर थे, और मेरे पास बाकी भी थे, तो वो चीज़ें तभी उग सकती हैं जब हमारे पास डर्ट हो। अब सोचो डर्ट मैं कहाँ से लाऊँ? तो डर्ट हमें भी वहीं से मिलेगा जहाँ पे हमें पानी मिलता है, तो डर्ट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं, वरना उगा भी नहीं सकते। एक काम करता हूँ, यहाँ पे खोदना स्टार्ट करता हूँ और डर्ट को ढूंढते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और वापस से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, खोदते हुए नीचे जाना पड़ेगा। और वापस से ये आगे पत्थर, आगे स्टोन आ गया। जल्दी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डर्ट मिल गया। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि हम प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, हम अपना ट्री भी लगा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, खाने की चीज़ें भी बना सकते हैं यार। तो गॉड, मज़ा आएगा यार, ठीक है। ये सारा डर्ट मैं इकट्ठा करता हूँ, मुझे बहुत सारा डर्ट चाहिए, तो ये सारा डर्ट मैं इकट्ठा करता हूँ और फिर वापस से हम ऊपर जाएंगे और फिर प्लांट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें थोड़ी सी छोटी सी ना फार्मिंग बनानी पड़ेगी, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ें बनाता जाता हूँ, ये बीच में मैं जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं पानी डालूंगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इन फिशेस को रखते हैं टैंक में, और यहाँ पे नहीं यार, एक दूसरा टैंक बनाना पड़ेगा मुझे, वो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन फिशेस को रखते हैं यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे कि अपने जो फार्मिंग हमने बनाई है ना खेती बाड़ी के लिए, तो वो उसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है। अब इनको भरना होगा और फिर इनमें पानी डालना होगा, जितने भी हमारे हमने ये बनाए हुए हैं उसमें हमें पानी डालना होगा, यहाँ पे बारी बारी पानी डालना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अभी काम करते हैं कि यहाँ से ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं और बारी बारी इनको प्लांट करेंगे, ठीक है। अब भी ना यहाँ पे एक लगाओ और यहाँ पे ये ट्री लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये उगेगा कि नहीं उगेगा, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं उगता है कि नहीं उगता। जब तक हम ये चीज़ें लगाते हैं यार, ये एप्पल तो लगा नहीं सकते,
और दूसरा जार वाटरमेलन का भी हमारे पास स्लाइस पड़ा हुआ है, तो वो भी नहीं लगा सकते यार। तो क्या लगा सकते हैं इनको, कैसे लगाएंगे? हमें बीज चाहिए हमें। नहीं यार ये नहीं लगेगा, ये अगर लगेगा नहीं तो ये दिए क्यों हैं यार इन्होंने? क्या ये खाने के लिए दिए हैं क्या? तो क्या करें यार, ये तो नहीं लग सकता। मुझे कमेंट्स करो कि इसको मैं बीज में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ यार, ये मेलन स्लाइस को बीज में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ? ये भी नहीं लगेगा, इसका भी बीज चाहिए, तो इसको भी बीज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? वो शेयर से होता है मेरे ख्याल में, लेकिन वो भी कैसे होगा जब हमारे पास वो भी नहीं है यार। चलो ये तो हमारे पास हो गया, स्वीट बेरी तो हमने उगा दिया एक, और दूसरा मैंने गाजर उगा दिया, गाजर और स्वीट बेरी। अभी ना हमारे पास एक बोन मील भी पड़ा हुआ है, तो एक काम करते हैं कि उसको यूज़ कर लेते हैं बोन मील को ट्री के लिए। हमें ट्री जल्दी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये बोन मील पड़ा हुआ था, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, ये ट्री पे बोन मील मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। उग जा उग जा उग जा उग जा, नहीं उग रहा, क्यों नहीं उग रहा यार, जल्दी से उग जा रहे, प्लीज रात होने वाली है। उग जा, नहीं उग रहा यार ये। एक काम करो, टाइम पास करो जब तक वो उगेगा, और फिर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और हमें बहुत कुछ करना है, हमारे पास एग्स भी पड़े हैं, हमें मुर्गियाँ भी पालनी है यार। अगर कितना मज़ा आता अगर शीप वगैरह भी देते ना यार, मैं उसमें चेस में तो मज़ा आ जाता। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम इससे जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे हम, वो अभी तक नहीं होगा। उग जा प्लीज, जल्दी उग जा, हमसे वेट नहीं हो रहा, प्लीज उग जा ना प्लीज। अभी कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, अब तो प्लीज उग जाना चाहिए उसे। ठीक है ये भी सारा कुछ हो गया, वो अभी तक उग गया, वो उग गया हो गया हो गया। ओ माय गॉड, मार्स में मैंने ट्री उगा दिया, मैंने मार्स में ट्री उगा दिया। लेकिन इसकी इसकी शक्ल देखो यार, ऐसा लगता है सूखे पत्ते का बना हुआ है। अभी जो बाकी की चीजें हैं ना वो भी हम उगा देते हैं। अब तो पता चल गया कि हम यहाँ पे उगा सकते हैं, तो हमारे पास ग्रास वगैरह भी है जो मेरे ख्याल में। एक मिनट यार, इसकी शक्ल देखो यार, ये इसका इसका ये हुलिया पता नहीं मार्स की वजह से हुआ होगा ना, पता नहीं अजीब सा हुलिया इसका हो गया है। ठीक है तो एक काम करते हैं, इसको 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 यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों? इसके लिए हमें सैंड चाहिए यार, मुझे पता है सैंड चाहिए, लेकिन ये अगर सैंड कहाँ से लाएं वो? ये रेड सैंड पे होगा क्या? रेड सैंड पे ये होता है, रेड सैंड पे हो सकता है, उग सकता है क्या रेड सैंड पे? वाह ओ माय गॉड, एक काम करो इसको लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है इसको यहाँ, इसको भी उगने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसको भी यहाँ पे उगने के लिए छोड़ देते हैं, और ये फ्लावर्स को रखो रखो फ्लावर्स को। अब हमें ना प्लैंक्स चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लैंक्स चाहिए, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह चॉप करना पड़ेगा ताकि इससे हमें सैपलिंग मिल जाए, और सैपलिंग मिल गई ना फिर हम इसके प्लैंक्स को भी हटा देंगे, इसको काट देंगे, और दूसरे ट्री को उगा सकते हैं फिर। ठीक है तो प्लीज़ सैपलिंग मिल जाए, प्लीज़। नहीं मिल रहा अभी तक, ठीक है मेहनत करते हैं। ओ हो, मैंने कहा था, अरे दो हैं, दो दो दो, एक ये भी है और एक ये भी है। वाओ दो मिल गया हमें दो। तो एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका भी बड़ा होने दो, और इसके ना हम प्लैंक्स को ले लेते हैं, ठीक है इसके प्लैंक्स को ले लेते हैं, और बाकी हम चीज़ें बनाते हैं जैसे कि हमें चाहिए। अभी इनका ना हमें प्लैंक्स में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत सारे हैं, ये है जंगल प्लैंक्स, ठीक है ये प्लैंक्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ से हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल गया, और अब इसी तरह हम और ज़्यादा प्लैंक्स भी बनाते जाएंगे जब ये बाकी ट्री हमारे बड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो जितना भी हम वेट कर सकते हैं करते हैं, और जो चीज़ें हमें काम की हैं वो ले लेते हैं। अब जल्दी से हमें क्या चाहिए, हमें कबल स्टोन चाहिए और हमें आयरन चाहिए, तो वो ले लेते हैं हम जल्दी से। नहीं ये तो नहीं मिलेगा, हमें तब मिलेगा जब हमारे पास पिकेक्स होगा स्टोन का, तो स्टोन तो हमें मिल रहा है, कबल स्टोन हमें मिल रहा है, तो ये ले लेते हैं, और फिर हम पिकेक्स और इसके वो बना के फिर आयरन लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ से हम उठाते हैं पिकेक्स को, तो ये मिल गया हमें पिकेक्स, तो हम दूसरा पिकेक्स नहीं, हम ये शॉवल ले लेते हैं, ठीक है। शॉवल हमारे काम की दो चीज़ें हो गई हमारे पास, और हमारे पास अभी हमें हमारे पास स्टिक भी ख़त्म हो गए, तो ये जल्दी से बड़े हो जाएंगे, तो हम उनको और काटेंगे, प्लैंक्स लेंगे, और फिर स्टिक और भी बनाएंगे, और भी काम की चीज़ें बनाएंगे। तो अभी देखते हैं हम, ओ माय गॉड, ये इतने बड़े हो गए यार, वाह वाह इतने बड़े हो गए।
और अभी मैं एग भी लेकर आया हूँ, तो इन एग को भी मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि अभी टाइम आ गया इनसे मुर्गियाँ निकालने का। इन अंडों से मुर्गियाँ निकालेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से ना जल्दी से इनको भी काटना पड़ेगा, इनसे प्लैंक्स निकालने पड़ेंगे मुझे, ताकि मुझे और ज़्यादा स्टिक चाहिए। लेकिन 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 एक मिनट, ओए हमारे गाजर भी तैयार हो गए। गाजर तैयार हो गए, कितने मिले? चार 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 मिले गाजर, वाओ। तो यहाँ पे स्वीट बेरी में एक में लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ, लेकिन 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 हमें दो स्वीट बेरी मिल गए हैं, तो इनको भी उगा देते हैं। तो खाने की चीज़ें तो हमारे पास हो गई हैं अभी, हमें और हमें लकड़ी का भी काम हो गया हमारा। ओके, तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे कि हम मुर्गियाँ भी पालेंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे, और हम क्या करेंगे, आयरन भी लेंगे, आयरन से चीज़ें भी बनाएंगे। तो सब कुछ हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर तुम कोई मुझे एडवाइस देना चाहते हो, या फिर मुझे बताओ यार ये मेलन स्लाइस का मैं क्या करूं, और बाकी चीज़ों का मैं क्या करूं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, तो वो भी मुझे बताओ यार। और हाँ यार, कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर दो, कोई ना कोई कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? तो आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा। तो आगे हम खेलेंगे अगले पार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, और हाँ यार हमारे चैनल आई एम खलील को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो चलो यार, बाय।